वॉशिंग मशीन्स का सीजन भी आ गया और सभी ब्रांड्स ने अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स के 2023 मॉडल्स लॉन्च भी कर दिए, तो अब किस बात की देरी है। मैं जानता हूं आप वेट कर रहे थे कि सारी वॉशिंग मशीन्स को मैं यूज करने के बाद आपको ये बताऊं कि कौन सी बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, तो वही मैं आज इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप जो आज देखेंगे वो आपको ना कभी किसी ने पहले दिखाया है और ना ही कोई दिखा पाएगा, क्योंकि मैं आपको बेस्ट वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड कैटेगरी की बताने जा रहा हूं जो आप 2023 में खरीद सकते हैं। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार मुझे आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वीडियो को बनाने के लिए ना ही मुझे किसी भी ब्रांड ने पैसे दिए हैं और ना ही किसी भी वॉशिंग मशीन को जो आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं या जो आगे देखेंगे वो किसी भी ब्रांड ने प्रोवाइड करी है। इन सब मॉडल्स को मैंने खुद खरीदा है अपने पैसों से और उसके बाद इन्हें लगातार यूज़ करने के बाद मैं आपको इन्हें कंपेयर करने के बाद बताऊंगा कि बेस्ट वॉशिंग मशीन इनमें से कौन सी है, ताकि आप अपनी हार्ड अर्न मनी से जब एक वॉशिंग मशीन खरीदें तो आपको वही मिले जो मैं कह रहा हूं और आप हमेशा खुश रहें। पर ये सारी चीजें होने के लिए आपको तीन चार चीजें जाननी बहुत जरूरी है वॉशिंग मशीन्स के बारे में, पर्टिकुलरली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स के बारे में। इन पॉइंट्स को जरा जल्दी से सुनिए। अगर आप आज तक टॉप लोड वॉशिंग मशीन यूज कर रहे थे और अब आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं, देन दिस डिसीजन इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि टॉप लोड के मुकाबले फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अप टू 40% पानी और बिजली की कम खपत करेगी। इससे क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली पानी बचेगा तो आपको और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, और बिजली कम लगेगी तो वो भी अच्छा होगा। एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेट्स से अबाउट 8 kg साइज की अप्रोक्सीमेटली 0.5 से लेके 0.75 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है पर वॉश साइकिल, विच इज वेरी वेरी गुड। लेकिन टॉप लोड उससे कहीं ज्यादा करती है। और आपको कैसे पता कि आपको कितने साइज की वॉशिंग मशीन लेनी है? ये आपको मेंबर्स ऑफ फैमिली के हिसाब से डिसाइड करना है। ये रहा वो चार्ट, आप इस हिसाब से डिसाइड करें। एंड यस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 kg वॉशिंग मशीन का कंपैरिजन वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको 7, 6, 9 या 10 kg वॉशिंग मशीन चाहिए एज पर दी फैमिली साइज, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर VM1 रेकमेंडेड वॉशिंग मशीन लिस्ट के अंदर जितने भी मॉडल्स मैं इस वीडियो के अंदर रेकमेंड करने वाला हूं उसी के दूसरे साइजेस दिए गए हैं, उन्हें चेक करिए और सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर मॉडल को लीजिए, क्योंकि वो मेरे रेकमेंडेड मॉडल्स हैं और मैं उन्हें पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद सेटिस्फाइड हूं, इसलिए उन्हें लिस्ट में इंक्लूड करा है। उस लिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जरूर अपने फोन में डाउनलोड करिएगा। कई ब्रांड्स और मशीन्स ये क्लेम करते हैं कि वो हार्ड वाटर वॉशिंग को सपोर्ट करते हैं, बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि मशीन कभी भी हार्ड वाटर को सपोर्ट नहीं करती, यानी हार्ड वाटर से प्रॉपर सफाई नहीं हो सकती। एक सॉफ्टनर आपको अलग से परचेज करके लगाना ही पड़ता है। आप किसी भी ब्रांड की मशीन लीजिए, वो अपना बनाया हुआ सॉफ्टनर यानी किसी और का बनाए हुए सॉफ्टवेयर पे अपना लेबल लगाने के बाद आपको वो बेचने की कोशिश करेंगे जिसका प्राइस 4 times होगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हर किसी को एक वाटर सॉफ्टनर अपनी मशीन के साथ लगाना चाहिए। वो सिर्फ उस टैप के साथ लग जाएगा जहां से पानी आपकी वॉशिंग मशीन में जाएगा, दैट्स अबाउट इट, आपको और कुछ नहीं करना। उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1000 rupees के आसपास होती है और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उससे क्या होगा, जो हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन्स होते हैं उन्हें वो न्यूट्रलाइज कर देगा और आपके कपड़ों पे जो वाइट स्टेन्स आ जाते हैं धुलाई के बाद वो नहीं आएंगे, एंड देन यू विल गेट द बेस्ट वॉश फ्रॉम अ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। अब आपके घर में हार्ड वाटर आता हो या फिर सॉफ्ट वाटर, आपको अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को 3 से 6 महीने में एक बार डीस्केल करना ही पड़ेगा, और ये उतना ही आसान है जितनी आसानी से मैंने आपको ये बात बताई। आपको एक छोटा सा डीस्केलर लेना है और अपनी मशीन में डाल के एक वॉश प्रोग्राम रन करना है, एंड दैट्स अबाउट इट। आपकी मशीन के ड्रम के अंदर कोनों कोनों में जो डिटर्जेंट के रेजिड्यूज हैं, जो होल्स के अंदर डिटर्जेंट के रेजिड्यूज हैं, जो पाइप्स में हैं, वो सारे बिल्कुल पूरी तरह क्लीन हो जाएंगे और आपकी मशीन उसके अंदर का ड्रम ऐसे चमकेगा जैसे आज आपने मशीन खरीदी है, और ये उसकी ओवरऑल लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एक अच्छे डीस्केलर का लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा और VMware वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट में भी दूंगा, उसे आप जरूर चेक करके कोई भी मशीन लें, लेकिन 3 से 6 महीने में एक बार डीस्केल जरूर करें। हम मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर खाने जाते हैं और हमें बर्गर के साथ एक की जगह 4 केचप के पाउचेस मिलते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, बिकॉज मोर इज बेटर। और ये बात सभी ब्रांड्स समझते हैं, इसलिए आपको वॉशिंग मशीन के अंदर ज्यादा वॉश प्रोग्राम्स की ऑप्शन देते हैं, इससे आपको लगता है कि मोर इज बेटर, बट दैट्स नॉट द केस। आप प्रैक्टिकली रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 वॉश प्रोग्राम्स यूज करेंगे और बाकी सारे वॉश प्रोग्राम्स आपके लिए एक तरह से यूजलेस हो जाएंगे, तो आप उस चीज के एक्स्ट्रा पैसे उस ब्रांड को वॉशिंग मशीन खरीदते हुए क्यों देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यही होती है मार्केटिंग गिमिक्स, जिससे आपको बचना है। और इस वीडियो को अगर आपने बिना स्किप करे देखा, मेरे प्रोज एंड कॉन्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, तो आपको उन मार्केटिंग गिमिक्स में कभी नहीं फंसने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम मैं करता क्यों हूँ, ब्रांड से दुश्मनी लेता हूँ, उनसे पैसे नहीं लेता, प्रोडक्ट्स खुद खरीदता हूँ, उन्हें टेस्ट करता हूँ, इतनी बड़ी टीम हायर करता हूँ और इस बात को पूरे जोर शोर से आपको क्लेम भी करके हर वीडियो में बताता भी हूँ। तो ये काम मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप एक सही प्रोडक्ट खरीदें। बदले में मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको अपने अफिलिएट लिंक दिए हैं उससे प्रोडक्ट को परचेज करें। प्राइस आपका 1 रुपया भी चेंज नहीं होता, आपको जो प्राइस Amazon पे Flipkart पे मिलेगा वही प्राइस आप पे करेंगे मेरे अफिलिएट लिंक के थ्रू भी, लेकिन उससे थोड़ी सी कमीशन मुझे मिलेगी, जिसे जोड़ जोड़ के हम पूरे स्टाफ को हायर करते हैं, अपने खर्चे चलाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और कई महीनों तक टेस्टिंग करने के बाद आपको ऐसे कंपैरिजन दिखाते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ मेरे अफिलिएट लिंक को यूज़ करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा। सारे पॉइंट्स हो गए खत्म, अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इन इंडिया इन 2023। और उसके अंदर नंबर 5 की पोजीशन पे मैंने 2 मशीन्स को रखा है। पहली इलेक्ट्रोलॉक्स की 8 kg 5-star 1200 RPM मोटर वाली वॉशिंग मशीन को, जिसे मैं खुद यूज कर रहा हूँ अपने घर पे कई महीनों से, एंड इट इज वेरी वेरी गुड मशीन, लेकिन फिर भी नंबर 5 पोजिशन, यस एंड आई टेल यू वाई। और दूसरी वर्लपूल की 8 kg 5-star 1200 RPM की मोटर वाली वॉशिंग मशीन को, और इस वर्लपूल की मशीन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। आई थिंक वर्लपूल ने अभी कुछ 1-2 साल पहले ही फ्रंट लोड कैटेगरी के अंदर एंटर किया है इंडिया में, एंड आई थिंक इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन अगर मैं होऊंगा तो मैं 1-2 साल या 3 साल वेट करूंगा वर्लपूल के सर्विस नेटवर्क में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है दे आर न्यू इन इंडिया एटलीस्ट इन द फ्रंट लोड सेगमेंट। और अभी आपको अपने पैसे से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इस कंपनी, इस ब्रांड के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज के ऊपर, सो देर आर बेटर ब्रांड्स अवेलेबल। वर्लपूल एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, उसकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, एंड इन सम सिनेरियोस दे आर बेटर देन सैमसंग एंड LG, बट इन फ्रंट लोड सेगमेंट वो अभी नए हैं इंडिया में, अवॉइड इट, मैं यही कहूँगा, ये मेरा अपना मानना है। और इलेक्ट्रोलॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छी मशीन है, इसके अंदर जो वूलमार्क सर्टिफिकेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, एंड आई कंप्लीटली लव द वॉशिंग मशीन। लेकिन मेट्रोज में अगर आप रहते हैं आप इसे ले लीजिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप मेट्रोज में ही रहते हैं। आप अगर Tier 2, Tier 3 और Tier 4 टाउन्स में रहते हैं देन आई वुड से अवॉइड इट, क्योंकि इस मशीन की भी सर्विस अवेलेबिलिटी स्पेयर पार्ट सपोर्ट कितनी अच्छी होगी Tier 3, Tier 4 या फिर Tier 2 टाउन्स में भी, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। दैट इज वाई इतने अच्छे प्राइसेस पे दोनों मशीन्स अवेलेबल होने के बावजूद आई वुड से avoid these two machines and go with the other established brands जिनका service network बहुत ज़्यादा wide है, जिनकी spare part support बहुत अच्छी है और जिन पे आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसलिए number 5 की दोनों washing machines को मैं आपको ये कहूँगा कि I would recommend you to skip them and look at other options जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इन इंडिया इन 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आने वाली बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है IFB की 8 kg 5-star 2023 मॉडल वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आपको 1200 RPM की मोटर मिलेगी, एंड यस इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मशीन।
इसमें पिछले मॉडल्स की तरह ही 3D वॉश टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, 12 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और एक्वा एनर्जी फीचर देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी वेरी गुड फीचर। और इसके साथ इस बार आपको इस मशीन में मिलता है AI कंट्रोल। एक्वा एनर्जी फीचर IFB का बहुत शानदार फीचर है, क्योंकि वो डिटर्जेंट और पानी को बहुत अच्छे से मिक्स करता है, जिससे झाग अच्छी बनती है। एंड बाय द वे, फ्रंट लोड मशीन्स में झाग थोड़ी कम बनती है, बट इससे पानी और डिटर्जेंट बहुत अच्छे से मिक्स होता है, जिसकी वजह से लॉन्ड्री में से डर्ट बहुत शानदार तरीके से निकलती है। सो आई जस्ट लव दिस फीचर इन IFB मशीन्स। लेकिन जो AI फीचर है वो थोड़ा सा गिमिकी है, आपको मैं समझाता हूँ। AI का मतलब इस मशीन में ये है कि लॉन्ड्री किस टाइप की है, यानी किस टाइप के कपड़े हैं, लॉन्ड्री का वेट क्या है और उसे किस टाइप के वॉश प्रोग्राम की ज़रूरत है, ये मशीन खुद ब खुद डिसाइड करेगी। लेकिन क्या ये मशीन डिसाइड कर सकती है कि मैं जीन्स को 3 दिन पहनने के बाद, यानी 3 बार पहनने के बाद वॉश करने जा रहा हूँ, या मैंने जीन्स को 10 बार पहना है, या मैं जीन्स को सिर्फ 1 बार पहनने के बाद उसे वॉश करता हूँ। How does AI know this? ये फीचर बहुत शानदार तरीके से काम करेगा? I don't think so. इसलिए मैं इस फीचर को बहुत I treat it as a gimmick. But इसके अलावा IFB ने वही सेम चीज़ें रिटेन करी हैं जो लास्ट ईयर तक के मॉडल्स में थी, और वो है स्टेनलेस स्टील ड्रम, जिसमें क्रेसेंट मून डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक फ्रिक्शन पैदा करेगा लॉन्ड्री की धुलाई में, विच इज़ गुड। फोम डिटेक्शन, यानी एक्स्ट्रा फोम होने पे ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी मशीन में से। ऑटो रीस्टार्ट ऑब्वियसली, और ऑटो टब क्लीन, ये एक बहुत शानदार IFB के मशीन में फीचर मिला करता है और वो इस मशीन में भी है। इस मशीन में 2 और फीचर्स रिटेन करे गए हैं, और वो है हाई एंड लो वोल्टेज प्रोटेक्शन और ऑटो इम्बैलेंस कंट्रोल। बट इस बार जो नया फीचर दिया गया है वो है सेल्फ डायग्नोसिस। अब IFB की मशीन के अंदर आपको सेल्फ डायग्नोसिस मिलेगा, That is a good thing. Auto imbalance is a very very good feature, क्योंकि उससे ड्रम के अंदर अगर एक तरफ ही सारे कपड़े हो जाएंगे तो वो उसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके आपके कपड़ों को ना उलझने देगा और ना ही एक तरफ इकट्ठा होने देगा। That is again a good feature. IFB claim करते हैं कि इस मशीन के lowest noise levels हैं 42 decibels and I highly doubt it. और इसकी water consumption है 70 liter per wash cycle, which is good. और ये मशीन वे करती है 69 kgs, which is also very good. जानते हैं इसमें और अच्छा क्या है? IFB आपको देता है 4 years की comprehensive warranty, 10 years की warranty on the motor and 10 years की spare part support, यानी 10 साल तक इस मशीन में कोई भी पार्ट खराब हुआ तो आपको वो पैसों के अगेंस्ट, यानी obviously you will have to pay for that particular part, लेकिन आपको उसकी spare part support मिलेगी। Now this gives you such a brilliant peace of mind, आपका दिमाग शांत रहता है, यार मेरी मशीन 10 साल तक खराब होगी ना तो ये ठीक हो जाएगी। Now this is very very good. आप इस मशीन को अगर खरीदना चाहते हैं then it will cost you around 33,000 rupees. ये prices change हो सकते हैं किसी भी टाइम, इसलिए मैंने आपको इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट में भी। आपको उसे जरूर चेक करना चाहिए, लेकिन उसे चेक करने से पहले आपको मेरे प्रोज एंड कॉन्स सुनने चाहिए। सबसे पहले आपको इसके प्रोज बताता हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मशीन, ये स्टर्डी मशीन है, 69 kgs वे करती है, आप इसे उठा नहीं सकते अकेले, हिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्टर्डी। इसके जो साइड पैनल्स हैं उसके अंदर एंटी वाइब्रेशन के पैनल्स हैं एंड दे आर टू गुड, ये वाइब्रेट नहीं होगी, चलने में अच्छी है, वॉश क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, एवरी एसेंशियल फीचर इज देयर इन दिस मशीन। लेकिन देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो। सबसे पहले तो AI फीचर, ये मेरे हिसाब से दिस इज़ गिमिक, बिकॉज हर इंसान की जो नीड्स हैं वो तो डिफरेंट हैं ही, लेकिन उसके कपड़े पहनने का और यूज़ करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अगर एक कपड़े को ज़्यादा यूज़ करने के बाद वॉश कर रहा हूँ तो वो लॉन्ड्री ज़्यादा डर्टी है, और अगर कम पहनने के बाद अगर मैं उसे वॉश कर रहा हूँ तो वो कम डर्टी है। सिर्फ ये डिटरमाइन करने से कि वो कॉटन की ही लॉन्ड्री है और उसे यही वॉश प्रोग्राम चाहिए, आई डोंट थिंक सो वो पूरी तरह से लॉन्ड्री क्लीन हो सकती है। सो AI अकॉर्डिंग टू मी needs a lot of improvement, और इस फीचर के बदले अगर ये मशीन बिक पाएगी, I really don't see, बिक सकती है, but
मैं इसे बहुत बड़ा फीचर नहीं मानता हूँ। द सेकेंड थिंग इज जो उनके डिक्लेयर्ड नॉइज लेवल्स हैं 42 डेसिबल्स के लोएस्ट नॉइज लेवल्स, आई डोंट थिंक सो ये प्रैक्टिकल नॉइज लेवल्स हैं। इन रियल लाइफ सिनेरियो ये अबाउट 70 डेसिबल्स होंगे, 60-70 डेसिबल्स के बीच में, विच आई थिंक इज फेयर। बट ये कोई बहुत सिग्निफिकेंटली कोई कम आवाज़ करती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड मशीन। इसके अंदर वारंटी पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड आईएफबी इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रांड। अगर आपको इस मशीन के अंदर इंटरेस्ट है और अगर आप ये दो चीज़ें फॉरगो कर सकते हैं, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दिए हैं, जल्दी जाइए, वेट क्या कर रहे हैं? लास्ट ईयर तक पिछले 3 सालों से मैं लगातार इस मशीन को नंबर 1 की पोजिशन दे रहा था, लेकिन इस बार नंबर 3 की पोजीशन पे आती है बॉश की 8KG 5-star 1400 RPM की वही मशीन जिसे मैं हमेशा से नंबर 1 मशीन बोलता रहा हूँ। लेकिन क्यों इस बार ये नंबर 3 पे आई है इसका कारण भी आपको बताऊंगा। पहले आपको इसकी मशीन के बारे में बताता हूँ। इस मशीन को मैंने 1 साल से ज़्यादा यूज़ किया है और ये मशीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें आपको वेरियो इन्वर्टर मोटर मिलती है विथ इको साइलेंस ड्राइव। ये 15 वॉश प्रोग्राम्स के साथ आती है और इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलता है जिसे बॉश कहते हैं वेरियो ड्रम, और उसमें आपको मिलता है एंटी टैंगल फंक्शन और साइड्स में आपको एंटी वाइब्रेशन साइड पैनल्स मिलते हैं जो कि एक्चुअली में इस मशीन को हिलने भी नहीं देते। वाइब्रेशन तो बहुत दूर की बात है। इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज करी गई है एक्टिव वाटर प्लस, जो कि 256 लोड सेंसिंग लेवल से ये जज करेगी कि पानी आपको कितना चाहिए उस लॉन्ड्री के लिए। इसमें आपको डीले स्टार्ट का फंक्शन मिलता है और रीलोड फंक्शन भी मिलता है अप टू अ फ्यू मिनट्स, विच इज वेरी कन्वीनियंट समटाइम्स, और क्विक वॉश और फोम कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको इस मशीन में देखने को मिलते हैं और ये कन्वीनियंस और बढ़ाते हैं। बॉश की इस मशीन के अंदर 53 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स मिलते हैं वाइल वॉशिंग एंड 73 डेसिबल्स वाइल स्पिनिंग, और ये मशीन 68 लीटर वाटर अप्रोक्सीमेटली कंज्यूम करती है पर वॉश साइकिल, और ये वे करती है 72 केजीज के आसपास। बॉश ने अब मोटर पे वारंटी थोड़ी बढ़ा दी। आपको 2 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और पहले जो 10 ईयर्स की वारंटी मिला करती थी मोटर पे, अब आपको वो 12 ईयर्स की देखने को मिलेगी कुछ टाइम से, विच इज अ गुड थिंग। आप इस मशीन को अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं 37,000 रुपीज में, और इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट में भी दिए हैं, उसे जरूर चेक करिएगा। लेकिन आई नो यू आर वेरी क्यूरियस टू नो कि नंबर 1 पे आने वाली वॉशिंग मशीन को मैंने इस साल 2023 में नंबर 3 की पोजीशन क्यों दी है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस मशीन के प्रोज बताता हूं। दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी सॉलिड वॉशिंग मशीन जो कि टैंक की तरह आपको मिलती है। इट इज बिल्ट लाइक अ टैंक। इसमें आपको वॉशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लॉन्ड्री विल कम आउट क्लीन एंड वेरी वेरी गुड क्वालिटी वॉश आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है, यू नो यू कैन से दैट, बट यहीं पे थोड़े से कॉन्स शुरू हो जाते हैं। पिछले 5 साल से इस मशीन में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज, बहुत मेजर चेंज नहीं करा गया है, कोई फीचर नहीं ऐड करा गया है। साल दर साल हम नई मशीन्स देख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, हर ब्रांड कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ नई चीज़ लेके आता है, कुछ इनोवेशन करता है। AI ही सही, चाहे वाईफाई एनेबल ही सही, चाहे कोई भी और एक्स्ट्रा फीचर सही, चाहे किसी भी तरीके की नई टेक्नोलॉजी बॉश की मशीन में नहीं यूज़ करी गई है। ये पता नहीं कितने सालों से यही मॉडल घसीटे जा रहे हैं और यही बेचे जा रहे हैं। नाउ दिस मे बी वर्किंग वेरी वेरी गुड फॉर बॉश एंड दिस मशीन इज एक्सीलेंट। मैं इस मशीन को खुद यूज कर चुका हूं और ये मशीन बहुत शानदार है। लेकिन अगेन आई वुड से कि ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट का टाइम है। आज की डेट में हम एक नई चीज़ चाहते हैं जिसमें ये बिल्ड क्वालिटी तो हो लेकिन हमें ज़्यादा फीचर्स मिले, हम अपने फ़ोन से मशीन को ऑपरेट कर सकें, हम ऑफिस में बैठ के अपनी लॉन्ड्री को चेक कर सकें कि वो वॉश हो गई, देन स्विच ऑफ द मशीन। बट दिस इज़ नॉट अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल इन बॉशेज मशीन, और किसी भी मॉडल में ये पॉसिबल नहीं है। दिस आई थिंक इज़ वेरी वेरी बैड एंड इस समय आज की डेट में 2023 में इससे
बेटर मशीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं एंड सी द प्राइस ऑफ दिस मशीन 37,000 इससे कम में अच्छी मशीन्स अवेलेबल हैं दैट इज़ वाई इट इज़ एट नंबर 3 लेकिन अगर आप फिर भी बॉश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं देन आई हैव नो प्रॉब्लम आई वुड स्टिल हाईली रिकमेंड दिस मशीन बिकॉज इसकी वॉश क्वालिटी आई हैव सीन इट माई सेल्फ और ये बहुत अच्छी है इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट आर यू वेटिंग फॉर बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आती है वन एंड ओनली एलजी 8KG 5 स्टार 2023 मॉडल 1400 आरपीएम की मोटर वाली वॉशिंग मशीन एंड बॉय ओ बॉय इट इज अ फैंटास्टिक मशीन जिसके अंदर आपको डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी मिलती है एंड इट इज टू गुड ये इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर के साथ आने वाली वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर आपको 10 वॉश प्रोग्राम्स मिलेंगे स्टेनलेस स्टील ड्रम मिलेगा और साथ में 6 मोशन डीडी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी अब 6 मोशन डीडी टेक्नोलॉजी को साथ में देखिए भी और समझिए भी एक तो ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर है इसमें बेल्ट यूज नहीं होती जिससे एलजी का ऐसा मानना है कि नॉइज और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम होता है लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है बट ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करती है दैट वी कैन से अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये 6 मोशन टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से मोशन करती है और लॉन्ड्री उसमें से डर्ट बहुत अच्छे से साफ होती है नाउ दिस इज ऑल्सो डिबेटेबल क्योंकि ये मोशन हर मशीन में होती है हर ब्रांड की मशीन में इस तरह की या अलग तरीके की थोड़ी मोशन होती है और तभी लॉन्ड्री क्लीन हो पाती है LG ने इसका नामकरण किया है 6 मोशन टेक्नोलॉजी बट इज इट अ टेक्नोलॉजी मे बी फॉर LG बट नॉट फॉर मी आपको इसके अंदर क्विक वॉश 30-मिनट प्रोग्राम देखने को मिलेगा विच इज गुड और ऑलमोस्ट हर ब्रांड की वॉशिंग मशीन में आपको ये देखने को मिलता ही है इसमें हाइजीन स्टीम वॉश और डिले स्टार्ट भी आपको देखने को मिलेगा ये मशीन ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन के साथ भी आती है और इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस भी देखने को मिलता है बट दिस मशीन डज नॉट हैव वाईफाई इस मशीन के नॉइज लेवल्स हैं 54 डेसिबल्स व्हाइल वॉशिंग एंड 74 डेसिबल्स व्हाइल स्पिनिंग और LG के हिसाब से ये कंज्यूम करती है अबाउट 53 liters of water per wash cycle which is too less and very very good और ये वे करती है 65 kgs LG आपको देता है 2 years की comprehensive और 10 years की warranty on the motor which I think is a very very good and a normal you know warranty package जो आपको मिलना ही चाहिए किसी भी washing machine पे और आप इसे खरीद सकते हैं इस समय 34,500 rupees का जो मेरे हिसाब से एक कमाल का price है ये prices change हो सकते हैं किसी भी time इसलिए मैंने आपको इसके links दिए हैं description box में भी और VM1 washing machine 2023 list में भी क्या wait कर रहे हो यार अच्छा अच्छा प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ आपको सबसे पहले इसके कॉन्स ही बताता हूँ बिकॉज आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें कॉन्स कुछ ज़्यादा है नहीं बस ये मशीन वाईफाई से मिस आउट करती है आई थिंक वाईफाई होता तो ये एक सर्वगुण संपन्न यू नो वॉशिंग मशीन हो जाती है और हम कहते हैं कि भैया बहुत ही बढ़िया वॉशिंग मशीन है बट इसमें अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं स्मार्ट डायग्नोसिस है लेकिन यू नो वाईफाई से क्यों मिस करा यार LG मतलब इतने पैसे में आप दे सकते हो यू आर अ बिग ब्रांड यू शुड डू दैट बट नहीं दिया तो नहीं दिया आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक और चीज़ है ये जो DD टेक्नोलॉजी है ना ये उनके हिसाब से यानी LG के हिसाब से कमाल का चेंज लेके आ रही है उसमें लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है यू नो इट इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ड्राइव अच्छी चीज़ है लेकिन ये कोई नॉइज लेवल्स को बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रही है आई डिडंट थिंक सो क्योंकि नॉइज लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल है 70-72 डेसिबल्स के जो वाइल्ड स्पिनिंग जो नॉइज लेवल्स हैं वो बहुत नॉर्मल है किसी भी मशीन से मिलेंगे बट ये कोई बुरी बात है नहीं ये कोई कौन है नॉट रियली ये मैंने पॉइंट आउट करी है मार्केटिंग गिमिक्स आप अगर उसे साइड में रखें देन नाउ लिसन टू द प्रोज ये मशीन बहुत ज्यादा अच्छी है ये जो DD टेक्नोलॉजी है ये नॉइज लेवल्स को कम करे ना करे लेकिन आपको जो वाटर कंजम्पशन है इस मशीन से बहुत कम मिलती है विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी बिग प्रो आपको सारे एसेंशियल फीचर्स मिलते हैं इस मशीन में और पिछले बार के मुकाबले मुझे ड्रम साइज थोड़ा सा बड़ा दिखा विच इज द बेस्ट प्रो ऑफ दिस मशीन क्योंकि ये जो थोड़ा सा भी बड़ा ड्रम होता है ना ये हमारी लॉन्ड्री थोड़ी सी एक दो कपड़े एक्स्ट्रा आ सकते हैं उसी 8 kg कैपेसिटी में ये आप रियलाइज करेंगे ना जब मशीन को यूज़ करने पे तो ये बहुत बड़ा प्रो है
Now this is a very very good thing for me, और मैं इस मशीन को full marks दूंगा in the build quality also this time, क्योंकि 2023 के अंदर इन्होंने बिल्कुल build quality के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है. जो side panels हैं, vibration panels, वो बहुत अच्छे हैं and I just simply love them. अब आप क्या वेट कर रहे हैं? अब मैं और कोई गीता पुराण थोड़ी पढ़ूंगा इसके लिए. जाइए जल्दी से इस मशीन को चेक करिए. मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वॉशिंग मशीन्स जो आप खरीद सकते हैं 2023 में. अब आते हैं बेस्ट वॉशिंग मशीन नंबर वन, द टॉप रैंक्ड वॉशिंग मशीन जो मेरे हिसाब से है, वो है सैमसंग की 8KG 5-star 2023 मॉडल वॉशिंग मशीन, जो कि 1400 RPM की मोटर के साथ आती है. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट मशीन जो आप 2023 में खरीद सकते हैं. एंड इसमें इतने अच्छे फीचर्स हैं और जो बिल्ड क्वालिटी है वो सैमसंग ने पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करी है, क्योंकि इसमें अब आपको डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी तो पहले की तरह मिलती ही है, 22 वॉश प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं, स्टेनलेस स्टील ड्रम भी मिलता है जो कि सैमसंग का अपना फेवरेट और उनका पेटेंटेड डायमंड ड्रम डिजाइन का आता है, विच इज वेरी वेरी गुड. ये लॉन्ड्री में एक फ्रिक्शन पैदा करता है और उससे लॉन्ड्री बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन हो पाती है. इसमें कुछ AI कंट्रोल के भी फीचर्स दिए गए हैं जिन पे मैं बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन नहीं रखता, बट जो ध्यान देने की बात है वो है Wi-Fi ऐप एनेबल्ड वॉशिंग मशीन. यानी आप इस मशीन को एक ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं. और जो वॉशिंग फीचर इसमें कमाल का है वो है इको बबल टेक्नोलॉजी. डिटर्जेंट और पानी जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे से इवनली मिक्स होके जो छोटे छोटे बबल्स क्रिएट होंगे और उसके बाद आपकी लॉन्ड्री में से वो जब डर्ट निकालेंगे, दैट इज द मैजिक ऑफ दिस वॉशिंग मशीन. ये है इको बबल टेक्नोलॉजी और ये इसमें शानदार तरीके से काम करती है. आपको इसमें 15 मिनट क्विक वॉश प्रोग्राम, हाइजीन स्टीम वॉश प्रोग्राम और डीले एंड जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे. ऑब्वियसली ये मशीन चाइल्ड लॉक के साथ भी आती है. और आप जब इस सैमसंग की मशीन को लेंगे और स्मार्ट थिंग्स ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐप में ही सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर भी देखने को मिलेगा, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. यार ये होती है कन्वीनियंस, क्योंकि आप अगर एक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं आज के टाइम में जब आपकी सब चीज़ कनेक्टेड है, कार तक कनेक्टेड है, जब हर चीज़ आपके फ़ोन पे नोटिफाई होती है नोटिफिकेशंस के थ्रू, व्हाई नॉट अ वॉशिंग मशीन? व्हाई कांट यू गेट अ नोटिफिकेशन कि आपके कपड़े वॉश हो चुके हैं, आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम है या नहीं है? नाउ दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस एंड मेरे हिसाब से That is why this is also one of the reasons कि ये number one की position deserve करती है. Samsung की इस machine के noise levels हैं 56 decibels while washing and 70 decibels while spinning. और ये consume करती है 72 liters of water per wash cycle और weigh करती है 65 kgs. Samsung आपको देगा इस पे 2 years की comprehensive warranty and 20 years of warranty on the motor. मतलब 20 years, आप 20 साल तक वॉशिंग मशीन चला पाएंगे? आई डाउट इट, बट सैमसंग का पूरा यकीन है कि 20 साल तक उनकी इस वॉशिंग मशीन की मोटर खराब नहीं होगी. एंड लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रांड. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि ब्रांड इतना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट पे कि वो आपको 20 साल की वारंटी भी दे सकता है. नाउ दिस मशीन कॉस्ट अबाउट 37,000 rupees. ये आई थिंक 1,000 रुपये मेरे हिसाब से ज़्यादा है, बट इसके अंदर फीचर्स जिस हिसाब से दिए गए हैं आई थिंक दे आर वेल वर्थ और ये वेल डिजर्व्ड वॉशिंग मशीन है. ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं इसलिए मैंने आपको इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 वॉशिंग मशीन लिस्ट के अंदर भी. बट एक और चीज़ आपको समझनी है, अगर आपने विदाउट वाईफाई वॉशिंग मशीन लेनी है तो ये सिमिलर वॉशिंग मशीन जो यहाँ रखी है, जो मैंने टेस्ट ये भी करी है, और ये आपको कॉस्ट करेगी 33,000 rupees की. नाउ लुक एट द डिफरेंस, इस समय के प्राइसेस 37,000 and 33,000 rupees हैं. दोनों के अंदर फीचर्स में थोड़ा सा फर्क है, बट प्राइमरी डिफरेंस इज इसमें कम वॉश प्रोग्राम्स मिलेंगे थोड़े से आपको और इसमें वाईफाई नहीं मिलेगा. जो दूसरी मशीन के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया उसके अंदर आपको वाईफाई भी मिलेगा और वॉशिंग प्रोग्राम ज़्यादा भी मिलेंगे. अब आपको मैं प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, उससे आप ये डिसाइड करिए, खुद करिए कि आपको कौन सी मशीन ज़्यादा अच्छी लगती है. नाउ लिसन टू द कॉन्स फर्स्ट.
क्योंकि ये एक बहुत शानदार फीचर पैक्ड वॉशिंग मशीन है, तो हमें लगेगा यार 22 वॉश प्रोग्राम्स, मजा आ गया यार। पर ये बात मैंने आपको अपने पॉइंट्स में भी बताई थी कि ज्यादा वॉश प्रोग्राम होना कोई बहुत ज्यादा अच्छा फीचर नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप 3-4 वॉश प्रोग्राम्स यूज करेंगे और ये जो 22 वॉच प्रोग्राम्स है ये आपके किसी काम आएंगे? आई रियली हाईली डाउट, बट यू नो यू हैव टू चूज इट। आपको वाईफाई एनेबल चाहिए, आप वाईफाई वाली मशीन लीजिए। आपको इको बबल टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको वाईफाई वाली मशीन ही लेनी पड़ेगी क्योंकि उसी के अंदर इको बबल टेक्नोलॉजी है, इसमें नहीं है। एंड यस, देयर इज अ डिफरेंस इन द वॉश क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ इको बबल टेक्नोलॉजी। तो ये 4000 रुपए खर्च करना, मैं अगर करूंगा तो मेरे हिसाब से ये टोटली वर्थ है। बट आपको ओवरलुक करना पड़ेगा ये छोटा सा जो मैंने मार्केटिंग गिमिक बताई आपको, 22 वॉश प्रोग्राम्स, और आपको सुनने पड़ेंगे प्रोज जो कि मेरे हिसाब से द बेस्ट हैं, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी है। अब जो इसके साइड पैनल्स हैं, जो एंटी वाइब्रेशन पैनल्स हैं, वो पहले के मुकाबले ज्यादा बेटर हैं। एंड दिस मशीन डज नॉट वाइब्रेट नाउ इन 2023, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। वॉच क्वालिटी इज जस्ट सुपर्ब। आपको 20 ईयर्स की मोटर पे वारंटी मिलती है, आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। दी ओवरऑल AI फीचर, उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन आपको जो ये डिजिटल पैनल मिलता है इसमें आपको सभी टाइप के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं लाइक एनी अदर वॉशिंग मशीन। सो दिस मशीन इज नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट फीचर, बट इट इज गिविंग यू मोर फीचर्स इन द सेम प्राइस। नाउ दैट इज वाई आई थिंक इट इज़ दी नंबर वन वॉशिंग मशीन जो आपको 2023 में खरीदनी चाहिए। आपको इसका 7 kg, 6 kg, 9 kg, कोई और साइज चाहिए तो आपको पता है कहाँ जाना है। VM1 वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट को आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, और इसी मशीन के आपको दूसरे वेरियंट्स या दूसरे साइज भी देखने को मिलेंगे। ये मशीन मेरे हिसाब से बेस्ट है। ये था मेरा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का 2023 का वीडियो, और इसके अंदर बताए हुए सभी मॉडल्स को मैं पूरी तरह रेकमेंड करता हूँ। आपको अगर एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी है तो ये रहा मेरा वीडियो जो मैंने कुछ ही दिन पहले रिलीज किया था, आपको इसे देखना चाहिए। और ये वीडियो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा कि कौन सी वॉशिंग मशीन से आपको बेस्ट वॉश क्वालिटी मिल सकती है। एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छी वॉश चाहिए अपनी लॉन्ड्री की, और अगर आपको किसी और साइज की फ्रंट लोड या टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको VM1 वॉशिंग मशीन 2023 लिस्ट मिलेगी, उसमें वो सारी वॉशिंग मशीन मॉडल्स हैं जिन्हें मैंने खुद खरीदा या फिर चेक किया या टेस्ट किया, उससे वॉश करके देखा, तब मैंने उसे उस लिस्ट में इंक्लूड किया। अदरवाइज जो मशीन मुझे पसंद नहीं आई मैंने उसे उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। आपको वो डाउनलोड करनी ही चाहिए। और कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन यहाँ लाइक बटन के जस्ट नीचे है। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।